गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 9 मुल्ला नसीरुद्दीन करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं बेटा। बुद्धिमान, होशियार, मशहूर, विख्यात, प्रसिद्ध, तंग, परेशान, बादशाह, राजा, बेफिक्री, लापरवाही, मुल्ला, मौलवी। मुस्लिम में होता है बेटा, मुस्लिम लोगों में मौलवी, जैसे हमारे में पंडित होता है। हुजूर, जनाब, उधार, कर्ज, इरादा, उद्देश्य या मकसद, साहूकार, रुपए उधार देने वाला, मुंह उतरना, उदास होना, वादा, वचन। तो बेटा सबसे पहले शब्दार्थ बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी चैप्टर या पोएम को पढ़ने से पहले। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है बेटा, मुल्ला नसीरुद्दीन कहानियों की दुनिया का एक ऐसा पात्र था जो सूदखोरों, यानी जो ब्याज पे ब्याज लेते हैं, सूदखोरों, जबरदस्ती कर वसूलने वालों तथा दुष्ट दरबारियों का कट्टर दुश्मन था। वह एक नेक दिल इंसान था जो जुल्म करने वालों को अपनी बुद्धिमानी से ऐसा सबक सिखाता था कि वे जिंदगी भर नहीं भूलते थे। गरीब लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वह हर परिस्थिति का सामना बड़ी ही समझदारी से करता था। उसके कई किस्से मशहूर हैं। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव के साहूकार से कुछ रुपए उधार लिए थे। मुल्ला समय पर वह उधार नहीं चुका पाया। साहूकार ने उसे कई बार उधार चुकाने के लिए कहा, पर वह उसका उधार नहीं चुका पाया। एक दिन दोनों में जमकर बहस हुई, पर कोई हल नहीं निकला। साहूकार ने तंग आकर इसकी शिकायत बादशाह से कर दी। बादशाह ने मुल्ला को दरबार में बुलाया। मुल्ला बेफिक्री के साथ दरबार में पहुंचा। जैसे ही मुल्ला दरबार में पहुंचा, वह साहूकार बोला, बादशाह सलामत, मुल्ला ने बहुत महीने पहले मुझसे 500 दिनार बतौर कर्ज लिए थे और अब तक नहीं लौटाए। मैंने इससे कई बार मांगे, पर हर बार यह कोई बहाना बना देता। मेरी आपसे विनती है कि बिना किसी देरी के मुझे मेरे रुपए वापस दिला दीजिए। बादशाह कौन होता है? राजा, वहाँ का राजा था। देखो बेटा ध्यान से, बादशाह ने मुल्ला से उधार न चुकाने का कारण पूछा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैंने इससे पैसे लिए थे, मैं मानता हूँ और मैं उधार चुकाने का इरादा भी रखता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी गाय और घोड़ा दोनों बेचकर भी इसका उधार चुकाऊंगा। तभी साहूकार बोल पड़ा, मुल्ला झूठ बोल रहा है, इसके पास न तो गाय है और न ही घोड़ा। अरे इसके पास तो खाने तक को नहीं है। यह सुनते ही मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत बोला, जापना, जब यह जानता है कि मेरी हालत इतनी ख़राब है तो ऐसे में मैं जल्दी इसका उधार कैसे चुका सकता हूँ? जब मेरे पास खाने को ही नहीं है तो मैं उधार कहाँ से चुकाऊँगा? यह सुनते ही आदमी का मुंह उतर गया, यानी जो साहूकार था उसका मुंह उतर गया। बादशाह ने यह सुना तो उसने साहूकार से कहा कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उधार चुकाने का समय दे। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन से उधार चुकाने का वादा लेकर मामले को सुलझाया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी समझदारी से बच निकला। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने खराब परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने साहूकार के पैसे चुकाने से इनकार नहीं किया, बल्कि अपनी समझदारी से उधार चुकाने के लिए थोड़ा समय भी ले लिया और साहूकार भी उसे कुछ न कह सका। तो बेटा जीवन मूल्य क्या है? सदैव बुद्धि का प्रयोग करें,
ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, और बेटा दो ही जीवन मूल्य हैं इसके, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और सदा बुद्धि का प्रयोग करें। तो बेटा इसके शब्दार्थ और जो क्वेश्चन आंसर हैं आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में बेटा, चाहे बुक का वर्क हो चाहे नोटबुक का, बिल्कुल साफ और क्लियर राइटिंग होनी चाहिए। और 2 times आपको ये चैप्टर रीड करना है और ख़ुद से जो एक्सरसाइज है वो फिल करने का प्रयास करना है। ओके बेटा, धन्यवाद।